गण मंडा की पावन धरती दाई को नमन। आज दूर दराज से आए सभी मातृशक्ति पितृशक्ति नौजवान साथी बालक बालिकाएं सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। आज के इस कार्यक्रम के मंच में उपस्थित हमारे सम्मानित जन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से सेवा जोहार। साथियों, भाषण देना या मंच में पब्लिक से ताली बजाना या बजवाना, इससे सरकार बनने वाली नहीं। सबसे पहले हम लोगों को अपने और पराये को खोजने की जरूरत है, अपने और पराये के खोजने की आवश्यकता। हमारे जाति के हो सकते हैं, हमारे समाज के हो सकते हैं, पर उनके अंदर खोजे कि ये हमारा है या नहीं है। अभी सारी बात आई आपके सामने, नेमावार की बात आई, मणिपुर की बात आई, अपने सिंगरौली की बात आई, आई क्या नहीं है। हम लोगों ने अभी तक अपने समझ के सांसद बना के भेजे, विधायक बना के भेजे, क्या इतने जो वारदात हुए इसमें लादवारे खड़े होकर हमारे साथ दिए? तो ये हमारे ही अपराय है। जब पराय है तो इनके साथ पराय जैसे हमको व्यवहार करना है, पहचान लें इनको। जिस दिन आप पहचान लेंगे उसी दिन मानक ये कोई सांसद नहीं बन सकता और ना ही कोई विधायक बन सकता। बनेगा सांसद विधायक तो गुण होने के ही बनेंगे, और आप ऐसे ही फूल करते रहे तो ये लोग हर समय चेंज के चाहिए। ये बात ये देखना है कि समय समय जब पड़ता है तो वही लोग हमारे रिश्ता बना लेते हैं। कोई मामा कहने लगता, कोई बुआ कहने लगता, कोई बहन कहने लगता है, कोई कुछ कहने लगता, तो उसे रिश्ता जोड़ते नहीं जोड़ते। और जीतने के बाद पता करते कि हमारा जीजा रहो का नहीं रहो, हमारा मामा रहो का नहीं, कभी हमें पता करे नहीं करे हो तो बताओ ना। तो फिर ऐसे लोगों के साथ अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी में गए हैं, ये बीजेपी के ही नुमंदे हैं, ये आपके समाज के नुमंदे नहीं हो सकते। कांग्रेस में गए हैं, वो कांग्रेस के नुमंदे। आज फिर प्रमाण पत्र लगाते हैं तब तक, जब तक चुनाव होता तब तक कि वो आदिवासी होते और जीत के गए तो कोई कांग्रेस वासी हो जाता है और कोई बीजेपी वासी हो जाता है, आदिवासी नहीं रहते। इसलिए हमें लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। अब बात आती है, अभी मैंने भी बहुत सुन रहा हूं, हमारे ककोरिया की शपथ की बात कर रहे हैं, अरे वही कहते हैं बर्तन वो खटकते हैं, बर्तन वो फटकते हैं जो टूटे होते हैं, और कसम वो खाते हैं जो झूठे होते हैं। हम झूठे नहीं है, झूठे लोगों का कसम खाने की जरूरत। हम सच्चे हैं और सच्चे आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। अगर हमने ठान लिया एक विधानसभा का, पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा जीतने की ताकत रखते हैं। दादाजी की हर बात बोलते हैं लेकिन एक बात कोई नहीं करता। दादा ने क्या कहा था, अगर सत्ता तक जाना है तो त्याग करना सीखिए। ऐसे कितने लोग हैं त्यागी, बताएं जरा मेरे को। हाँ, आप सत्ता तक पहुंचा सकते हैं लेकिन सत्ता में जाने लोग, जाने वाले लोग है त्यागी नहीं। सारे लोग स्वार्थी दिखते हैं और स्वार्थ जब तक है अभी नहीं देखते। हमारे अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे एक प्रत्याशी बना कर दे, और जब 10-10 दावेदार हो जाते हैं एक के चुनोगे 9 उसके विरोध में जाएंगे, आप जीतेंगे? जरा जवाब दे मेरे को।
लगाएंगे, कमेटी के ऊपर आरोप लगाएंगे, कहीं प्रदेश कमेटी के ऊपर आरोप लगाएंगे कि हमको थोप दिया गया। हम लोग सोचे कि भैया चल फलाना आदमी हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहेगा, पर हमारे अंदर ये भावना नहीं। इसलिए सबसे पहले अगर दादाजी की बात करते हो तो त्याग की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, जेब की भावना नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे में जेब की भावना खत्म हो जाएगी, आप मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में राज करने के लायक आपकी ताकत बन जाएगी। और कुछ ऐसे हमारे बीच में तो बनते हैं जिनके गुंडवाना कहीं जाए हमारे जेब में भर आते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा। जब हम विधायक और सांसद बना पाएंगे नहीं तो नहीं। तो साथियों, बोलने का तो बहुत कुछ था और ये पहली बार नहीं है कि मैं मंडला में बोल रहा हूं। जब विधायक भी नहीं था तब भी यहां बोला था, विधायक था तब भी आया था। अभी कुछ दिन से मैं शायद जिला का अध्यक्ष था, इसलिए आपके मंडला नहीं पहुंच पाया, मैं जिला का ही काम देखते रहा। अब मेरे को फुर्सत मिली है जिला से, अब मेरे को प्रदेश में ले जाया गया है। अब तो जहां बुलाएंगे, आप जहां चाहेंगे वहां मैं आऊंगा और आपको जगाने का काम करूंगा। धन्यवाद सभी को, जय सेवा, जय बड़ा। कौन बना रहा है? जिंदाबाद।